नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, क्या सीमा हैदर का पूरा हिसाब होने वाला है? सीमा हैदर यूपी एटीएस की रडार पर है। जो सीमा अंडरग्राउंड हो गई थी, अब यूपी एटीएस सीमा की कुंडली खंगालने में लग गई। आज पुलिस की टीम सादे वर्दी में पिछले दरवाजे से सीमा को कहीं लेकर गई। किसी गुप्त जगह पर उससे पूछताछ हो रही है, सीक्रेट लोकेशन पर। और आपको ये भी बता दें, आपसे थोड़ी देर बाद सीमा हैदर को लेकर एक ऐसा खुलासा करेंगे जो आपकी नींद उड़ा देगा, और एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रखेंगे जिसके बारे में यकीन मानिए, ये सच्चाई आपको पता नहीं होगा। एक बड़ा दावा है सीमा हैदर को लेकर, उसके पिछले कुछ सालों की जिंदगी को लेकर। खुफिया एजेंसियों के साथ साथ यूपी एटीएस ने भी जांच तेज कर दी। सीमा के भारत आने के रूट और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। नेपाल में सीमा कहां कहां गई, खुफिया विभाग को जानकारी इसकी मिली है। होटल मालिक और मैनेजर से भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिस होटल में जाकर वो रुकी हुई थी। यात्रा के दौरान इस्तेमाल मोबाइल नंबरों की पड़ताल हो रही है कि कितने मोबाइल नंबर उसने इस्तेमाल किए। सीमा के पूरे परिवार की डिटेल भी खंगाली जा रही है। एटीएस सीमा के पुराने मोबाइल नंबरों का पता लगाने में जुटी है कि कितने नंबरों का उसने इस्तेमाल किया। साथ ही सीमा हैदर की जमानत याचिका खारिज कराने की तैयारी भी पुलिस ने कर ली है। यानी पुलिस की पूरी तैयारी है कि एक बार फिर से सीमा हैदर को कस्टडी में लिया जाए। पुलिस को शक है कि जांच के दौरान सीमा हैदर फरार हो सकती है, सबूतों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की भी मदद पुलिस ले रही है, जांच कर रही है। सीमा हैदर से पूछताछ के लिए एटीएस ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर दी है। सचिन से प्रेम की बात करने वाली सीमा हैदर को अब उन सवालों के जवाब देने ही होंगे। कुछ बड़े सवाल, क्योंकि यह पड़ताल बहुत बड़ी है, भारत नेपाल दुबई पाकिस्तान तक के कनेक्शन है, तो 20 बड़े सवाल। और यकीन मानिए, ये सारे 20 बड़े सवाल जब जवाब इनका मिल जाएगा तो ये पूरी पहली सुलझ जाएगी। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान से दुबई वाया नेपाल भारत आखिरकार सीमा हैदर कैसे पहुंच गए। दूसरा सवाल है, सीधे नेपाल आने की जगह पहले दुबई क्यों गई? अगर पाकिस्तान से नेपाल भारत आना था तो दुबई का रूट क्यों? सीमा ने 6 पासपोर्ट क्यों रखे हुए थे? एक आदमी एक पासपोर्ट था, 6 पासपोर्ट की जरूरत क्या है? चौथा सवाल, दुबई नेपाल में किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? 4 मोबाइल नंबर उसके पास से बरामद हुए, 4 मोबाइल फोन, एक पाकिस्तान वाला फोन टूट गया। प्यार के लिए सरहद पार की या मकसद कुछ और है, जो कि बार बार शक है कि कहीं वो एजेंट तो नहीं। सवाल ये भी कि दुबई वाया नेपाल के सफर में किन लोगों से संपर्क में आई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उठी बिना लोगों के संपर्क, बिना फीड के, बिना मदद के वो सीधे भारत आ गई। सीमा सचिन कब से संपर्क में थे? क्या पबजी वाली जो कहानी है वही है, या फिर उसके अलावा भी कुछ और सच्चाई है? सीमा सचिन के बीच किन नंबरों पर बातचीत हुई है? नौवा सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, नेपाल में शादी के बाद वापस पाकिस्तान क्यों गई? क्यों उसी समय सीधे वो हिंदुस्तान नहीं चली आई जिस तरीके से इकरा ने किया था? सवाल ये भी कि पांचवी पास सीमा सरहद कैसे पार कर गई, जबकि क्या वो इतनी जानकारी उसको थी? अगला सवाल है, पांचवी पास सीमा अंग्रेजी कैसे बोल लेती है? सोचिए, पाकिस्तान में पांचवी पास, दावा तो ये भी कि इतनी भी पढ़ाई नहीं, उसके बावजूद अंग्रेजी बोलना, अवैध तरीके से रहने के बावजूद इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है? जो आदमी गलती करता है उसके मन में अपराध बोध होता है, उसे लगता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, लेकिन सीमा हैदर को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। सरहद पार करने में सीमा की किन लोगों ने मदद की है? जाहिर सी बात है, अगर इलीगल तरीके से एंट्री है तो मदद सीमा हैदर को मिली है। पाकिस्तान में सीमा का बैकग्राउंड क्या है, यानी परिवार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, ये सारी जानकारियां, ये भी अपने आप एक बड़ा सवाल है। पंद्रहवां सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, 4-4 मोबाइल फोन रखने की जरूरत क्या थी? एक मोबाइल फोन हम आप संभाल नहीं पाते, 4-4 मोबाइल फोन लेकर चल रही है मैडम, पाकिस्तान वाला मोबाइल ही कैसे टूटा, जो सवाल मैंने पहले किया था। 17वां सवाल, टूटे मोबाइल में क्या राज दफने, आखिरकार वो मोबाइल टूटा या तोड़ा गया। 18वां सवाल, प्यार का मामला था तो चैट डिलीट क्यों किया, जो सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। 19वां सवाल, प्यार का मामला था तो वीजा लेकर क्यों नहीं आई, मकसद सिर्फ सचिन था, सचिन के साथ जीवन बिताना तो भारत सरकार से बाकायदा वीजा लेकर आती। पाकिस्तानी सीमा का हिंदू प्रेम सच है या साजिश, क्योंकि जब सनातनी बन गई तो जो तस्वीरें सामने आई वो सच्चाई है या फिर सिर्फ दिखावा। इस बीच ग्रेटर नोएडा में जहां सीमा सचिन के साथ रुकी हुई है, वहां लोग उसे देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। जिस सीमा को ISI का एजेंट बताया जा रहा है, वहां गांव के लोग ये मानने को तैयार हैं। टाइम्स नाउ और भारत की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, इस घर से अगर आप बात करें तो अभी यहाँ से जो आदमी बाहर निकलता है वो कहता है कि सचिन और सीमा घर के अंदर नहीं है। इस घर के अंदर अभी फिलहाल कुछ देर पहले एक युवती भी अंदर गई है कुछ कपड़े लेके, उनसे भी मैंने बातचीत की है। अभी देखिए, एक बार फिर मैं दरवाजा खटखटाती हूँ कि कोई है या नहीं है।
देखिए अब दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। जब हमने इनसे जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि घर के अंदर केवल एक महिला मौजूद है और सचिन और सीमा यहाँ पर नहीं है। वो कब यहाँ से गए इस बात की जानकारी कोई भी हमें नहीं दे रहा है। घर में ही अंदर उसे रहने क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपको लगता है वो घर के अंदर है? घर के अंदर है, मैंने देखी है जी। कब देखी आपने? आज ही देखी है अपने आंखों से। कब देखी आखिरी बार? ये देखिए आखिरी बार नहीं, मैंने अभी देखा है, ये घर के अंदर है। अच्छा जी, ये युवक दावा कर रहे हैं इस वक्त कैमरे पे कि उन्होंने अभी देखा। अच्छा, आप पड़ोसी हैं सीमा हैदर, पाकिस्तान से भारत आई हैं, आपके पड़ोसी हैं, यहाँ पर है नहीं है, क्या लगता है आपको? है तो है, मगर हमने देखी नहीं है। है यहीं पे ही है बिल्कुल। तो डर है, चिंता है? आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे। डर कोई पुलिस की उससे ही रुक रही है, ये कहीं बंद कर दिए यहीं, कहीं यही है। 3-4 दिन से कहाँ मिल लिए किसी से? सुरक्षा एजेंसियों को इस पे जांच करना चाहिए। जांच कर रही है एजेंसी, जांच कर रहे हैं और सभी टीम लगी हुई। लगता है एजेंट है क्या बाहर पाकिस्तान से आई हुई है? एजेंट नहीं है वो। कैसे आप ये दावा कर रहे हैं? एजेंट नहीं, एजेंट तो बच्चों संग लगा थी, बच्चों संग खेल होती एजेंट होती तो वो पाकिस्तान ले आई है। तो आज पाकिस्तान ले आई, 4 बच्चों ले आई यहाँ से। अच्छा, 4 बच्चों को लाई इसलिए वो एजेंट नहीं? एजेंट नहीं है वो। अगर बच्चे नहीं लाती तो एजेंट? हाँ मान सके एजेंट होती। तो चलिए, ये लोगों की अलग अलग राय आपने सुनी और अब से थोड़ी देर बाद हम ये खुलासा करेंगे कि जो सवाल है कि दुबई क्यों गई, पाकिस्तान से सीधे नेपाल क्यों नहीं आई, एक बड़ा बयान आपको सुनाएंगे और यकीन मानिए उस बयान में ये गुत्थी पूरी तरह सुलझती नजर आएगी कि दुबई कनेक्शन क्या है। यूपी एटीएस की जांच के बीच सीमा हैदर को लेकर योगी के मंत्री का बयान भी सामने आ चुका है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि जांच हो रही है। सुनिए, चर्चा है सीमा हैदर की, एटीएस ने जांच भी शुरू कर दी, पाकिस्तान से आई है, कई सारे आरोप और सवालिया निशान उस पर है। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जो भी डेवलपमेंट होगा सबको अवगत कराया जाएगा। एक तरफ सीमा पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सीमा का बदला हुआ वहां पर मौजूद हिंदू और हिंदू मंदिरों से लिया जा रहा है। हिंदुओं के धमकी देने के बाद 48 घंटे के भीतर सिंध और कराची में 2 मंदिरों पर हमला किया गया। पहले हमने आपको बयान सुनाया था किस तरीके से वहां के डाकू ने ये धमकी दी थी कि सीमा को वापस करो नहीं तो हिंदू मंदिरों को टारगेट करेंगे। सिंध में मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ, वहां मौजूद हिंदुओं पर फायरिंग भी की गई। कराची में 150 साल पुराने मारी माता मंदिर पर आधी रात को बुलडोजर चला दिया गया, पूरे मंदिर को अंदर से तहस नहस कर दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला करने से भारत में रोष है, हिंदू धर्म गुरुओं ने मोदी सरकार से इस पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। सुनिए, रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें। तो क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना ही होगा? क्या सीमा हैदर सचमुच सचिन से प्रेम करती है या फिर इसके पीछे साजिश है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत पाकिस्तान से एक बड़ा पैनल मौजूद है, एक खास मेहमान की भी मौजूदगी है। सैयद बासित हमारे साथ भी जुड़ेंगे और उनसे चूंकि बातचीत हो रही थी फोन पर तो उन्होंने एक बड़ी बातें, बड़े खुलासा करने की बात कही, दुबई कनेक्शन की बात कही, तो हमने कहा कि आप हमारे साथ शो में जुड़िए और इस सच को देश के सामने रखिए। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बातचीत के अलावा हमारे साथ महंत राजू दास इस वक्त जुड़ चुके हैं, वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस शबनम खान स्टूडियो में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, पाकिस्तान से यानी सीमा उस पार से फकर यूसुफ जई, राजा मुबीन अफजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत करूं बातचीत की, उससे पहले मैं सबसे पहले बासित आपके पास आता हूं क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप फोन कॉल पर कर रहे थे कि आखिरकार सीमा हैदर की सच्चाई क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान में दुबई क्यों गई, पाकिस्तान से सीधे नेपाल क्यों चली आई, ये सीधा सवाल है आपसे। देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, उसका बैकग्राउंड आपको, अगर आप फुल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो उसका, जैसे आप सबको पता है कि हैदर से उसकी शादी तो है लेकिन शी वॉज लिविंग इन दुबई, शी वॉज यू नो लिविंग इन दुबई एंड शिविंग न्यूज दे रहा हूं मैं कि सीमा हैदर जो है वो एक डांसर थी। अब आपको उसके जो फाइनेंशियली हालात पता करना चाहते हैं तो वो दुबई जाके उसके हालात सारे ठीक हो चुके थे, फाइनेंशियल सब इशू उसके क्लियर थे। जी, बड़ी बात है,
सीमा हैदर को लेकर जो आपने बातें कही हैं कि वो डांसर थी, क्या इसीलिए इसके दुबई कनेक्शन की बात, क्या वो सीधे दुबई से नेपाल आई है, पाकिस्तान में थी ही नहीं मौजूदा समय में? नहीं नहीं पाकिस्तान में नहीं, वो दुबई में थी पिछले कुछ सालों से, पाकिस्तान को वो छोड़ चुकी थी। और आप जैसे सब कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है और हिंदू कन्वर्ट कर गई, देखें वो एक लड़की है और वो इंडिया और पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदुओं में मसला पैदा करना चाहती है, जिसका मसला कम से कम मैंने खत्म कर दिया कि वो एक फेक गर्ल है और उसने जो है वो उसका असल प्रॉब्लम सचिन नहीं है, सचिन से उसे कोई मोहब्बत नहीं है, उसका टारगेट कोई और है और वो दुबई से जो है वो इंडिया नेपाल के रास्ते गई है, पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। आई हैव प्रूफ्स, आई हैव एनीथिंग, मैंने बहुत चीजें वाजिया भी कर दी हैं। बासित, मैं चाहूंगा कि आप वो प्रूफ भी दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से है लेकिन पिछले कुछ सालों से दुबई में, दुबई में आईएसआई का बहुत बड़ा हब भी है, लगातार सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस बात की चर्चा करते हैं वो जासूस है क्या है, मैं इस पर आगे आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन एक सवाल फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा, सवाल ये कि उसके परिवार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर क्या आपके पास जानकारी है, क्योंकि कई लोग उसके दोस्त पुराने उसके प्रेमी से, उसके बचपन की दोस्त से आपने बातचीत की है। देखें पाकिस्तान में आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, और आप ये देखें कि उसी गेम से वो इंडिया में भी कनेक्ट थी, उसी गेम से वो सचिन के साथ भी कनेक्ट थी, उसी दोस्त से, इवन जाहिर है पाकिस्तान में वो थी, मैं इस बात को वो नहीं मानता हूं कि वो थी, लेकिन आपको ये बताऊं कि वो शिफ्ट हो चुकी थी, वो पाकिस्तान से, वो हैदर के जरिए पाकिस्तान में भी थी लेकिन अब वो दुबई में थी। आपको बताऊं वो पैसे भी कमा रही थी, शी वॉज अ डांसर, और वहां पर इंडियन एक पॉलिटिशियन जिसके बारे में मैं जानता हूं और आप इंडिया भी जानने लग गया है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जानती हैं कि वो पॉलिटिशियन कौन है, वो पॉलिटिशियन भी है और साथ एक और बंदा भी है जो उसके साथ इन्वॉल्व था वहां के डांस क्लब से, जिसके थ्रू उसकी नेपाल, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या नेपाल से जाना बच्चों का खेल है? और वो एक लड़की होकर नेपाल से एंटर हो जाती है, दो महीने आपको पता ही नहीं चलता, फिर आधार कार्ड बन जाता है, कोर्स उसको इजी कर रही है। मैं आपसे सवाल करता हूं, इकरा लड़की आई थी इंडिया में, आपको याद होगा वो इकरा जो थी, उसका रिलेशन जिससे था उसको डिपोर्ट बैक कर दिया गया था, आपको याद है, पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता था आपका वो एक किस्म का फेलियर था, और यहां इसको इज्जत दी जा रही है, यहां इसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। ठीक है बासित, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं और उस पर मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगा। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फखर यूसुफ जई मैं आपके पास आता हूं। बासित अली को संभवतः आप जानते होंगे, कई सारे उनके वीडियोज इस समय बड़े वायरल भी हैं कि वो दुबई में रह रही थी, दुबई में खैर आईएसआई का एक बड़ा हब भी है, हो सकता है कि उसको वहां से ट्रेनिंग दी जा रही होगी, एक बड़ी पिक्चर आईएसआई ने क्रिएट की होगी। राकेश, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आईएसआई ने ट्रेनिंग देनी थी तो उसको दुबई ट्रेनिंग की क्या जरूरत थी? दुबई तो ऐसा है कि जिस तरह हम लोग कराची जाते हैं, सेम लाइक डेट है, मेरा खुद साल में चार चक्कर लगते हैं, इस तरह हर पाकिस्तानी के मेजोरिटी लोगों का आना जाना दुबई है, क्योंकि विजिट वीजा है तो इतनी मुश्किल नहीं है। तो अगर ट्रेनिंग देनी थी तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग दी जा सकती थी बजाय दुबई ले जाने के। जहां तक बात है उनकी एंट्री की, उसके ऊपर मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने कहा दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी वो नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होना चाहता हो, बांग्लादेश के रास्ते दाखिल होना चाहता हो, या वो किसी और रास्ते, इतना आसान नहीं है। और ना कोई इस तरह का तरीकाकार है कि आप किसी भी तरीके से कह दें कि जी फलां लड़के से इसको मोहब्बत है या नहीं है या शादी है या नहीं, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। पाकिस्तान में अगर कोई इंडिया से एंटर होना चाहता है तो उसके लिए भी पूरा एक प्रोसीजर, हालांकि दूसरी साइड अफगानिस्तान बॉर्डर से दिन में 50,000 लोग जो है वो इंटर और आउट हो रहे होते हैं, लेकिन इंडियन बॉर्डर से क्यों नहीं हो सकते? उसकी वजह यह कि सारी एजेंसीज का फोकस जो है इस तरफ होता है, आपकी एजेंसीज का भी यकीनन इस तरफ फोकस होता होगा, इसीलिए बजाय इसके कि मतलब इसको मीडिया में तकरीबन दो हफ्ते होने वाले इसके ऊपर डिस्कशन। फखर भाई, मैं वेद भूषण जी को आपके साथ रखता हूं और वो बेहतर तरीके से क्रॉस करेंगे आपको, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, और मैं नहीं पूछूंगा कि कसाब कैसे घुस गया था, लश्कर के लोग नेपाल बॉर्डर से कैसे पकड़े गए थे, किस तरीके से टेरर एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन वेद भूषण जी इस पर बेहतर क्रॉस करेंगे। वेद भूषण जी, देखिए राकेश जी, वो पहली बात तो इलीगल तरीके से इंडिया में आई है, शादी ही नहीं हुई है, सचिन उसका पति नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से उसने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुई थी इंडिया के अंदर,
और पहले पति से तलाक नहीं, पहली बात तो शादीशुदा औरत नहीं है, सचिन के साथ उसकी कोई मैरिज हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी ही नहीं हुई है। पहली बात तो सवाल मैं खत्म कर देता हूँ, वो फंसी इसलिए थी क्योंकि शादी कराने के लिए वो किसी एडवोकेट के पास गई थी, क्योंकि शादी वो हो नहीं सकती थी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, इसलिए उनको वकील ने मना कर दिया और पुलिस को इंटीमेट कर दिया। 4/7/2023 4 जुलाई को उनके खिलाफ 23 नंबर FIR रघुपुरा थाने में दर्ज हुई, जिसमें सेक्शन 345 फॉरनर एक्ट की लगाए गए, उसके अलावा पासपोर्ट एक्ट की एक सेक्शन लगाई गई है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है राकेश, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B और 34 IPC का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि उनके पति भी उनके साथ इन्वॉल्व है, तो आज नहीं तो कल, जिसको हम पति कह रहे हैं वो अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पति ही नहीं है, तो वो उनको भी उनकी भी एक लायबिलिटी बनती है, क्रिमिनल लायबिलिटी, आज नहीं तो कल उनके पति भी, जो सो कॉल्ड पति हैं, पति नहीं है, वो अरेस्ट भी होंगे इस मामले में, आप देखिएगा। दूसरा, अदालत से वो बेल के ऊपर है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ISI की तरह नहीं करता कि इमरान खान को अरेस्ट कर लो, फलां को अरेस्ट कर लो, जेल भेज दो, जो ड्रामा पाकिस्तान में टीवी पे भी आपने देखा होगा पीछे, हिंदुस्तान इस तरह नहीं चलता, चूंकि यह कानून का राज्य है, अदालत ने चूंकि बेलेबल ऑफेंस था उनको बेल पर छोड़ा हुआ है कि ट्रायल उनको फेस करना पड़ेगा और उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी हिंदू पाकिस्तानी आदमी इल्लीगल तरीके से इंडिया में ठीक है शरण नहीं ले सकता। भूषण जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, चूंकि UP ATS की टीम पूछताछ कर रही है और इस मामले को बहुत गंभीरता से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, किसी सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ चल रही है, तो आपके हिसाब से कौन कौन से वो बड़े सवाल होंगे जो UP ATS की टीम पूछताछ करेगी? आज 6 पासपोर्ट की बात, 4 मोबाइल की बातचीत, ये मैं आपसे करूंगा, लेकिन फकर भाई एक सवाल और आपसे है, फिर मैं महंत राजूदास और शबनम जी का रुख करता हूं। ये हिंदू तो पहले से ही मुसीबत के मारे थे पाकिस्तान में, अब फिर से पहले धमकी दी गई कि सीमा को भेजो नहीं तो हिंदू मंदिर पर अटैक कर देंगे, रॉकेट लॉन्चर तक चला दिया, हिंदू के घरों पर फायरिंग कर दी, मतलब सीमा के लिए हिंदुओं को खत्म कर देंगे, बदला इतना? देखिए राकेश, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इसको, जिसे कहते हैं ना, इसके खिलाफ उठना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि सिंध के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उन बेचारों का इसमें कोई कसूर नहीं है, उनकी इबादतगाह को, किसी मंदिर को या उनके घर को या उनकी किसी और चीज को अटैक करना, ये डाकू, मतलब मेरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तकरीबन पिछले एक महीने में 50 लोगों को ये किडनैप कर चुके हैं कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से। क्यों नहीं करती सिंध गवर्नमेंट? बिलावल भट्टो जरदारी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनको मैं ट्विटर पे वो कर रहा हूं, 2 दिन पहले मुझे मेरी मुलाकात हुई फैसल करीम कुंडी साहब से, उनको मैंने, उनके सामने ये मसला मैंने उठाया कि यार आप लोग, मतलब सिंध गवर्नमेंट आपकी नहीं, नहीं, सिर्फ सिंध की बात थोड़ी नहीं है फकर भाई, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जितने माइनॉरिटीज हैं उनकी बच्चियों को कैसे घर से उठा लिया जाता है, किडनैप किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे फकर भाई। मैं आता हूं आपके पास महंत राजू दास, महंत राजू दास को शायद आप जानते होंगे, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, महंत राजू दास जी का आक्रोश काफी है क्योंकि हिंदुओं की आस्था जिस तरीके से आहत हुई है, महंत जी आपने अपना गुस्सा जताया भी है जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमला हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये बहुत गंभीर डिबेट है और इस गंभीर मुद्दे पे आपने मुझको रखा, इसके नाते बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, और आज इस लाइव डिबेट में जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए हम मंगल कामना करते हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कष्ट इस बात की है कि चलिए सीमा जिस प्रकार से हिंदुस्तान में आई, लेकिन ये जांच का विषय बहुत गंभीर विषय है, हमने उस समय भी विरोध किया कि ठीक है मातृशक्ति है या डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ संविधान का राज है, किसी के तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, अंदर नहीं हो सकता, कानूनी प्रक्रिया है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और इस पर जो भी कार्रवाई हो जांच चल रही है, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। और लेकिन कष्ट इस बात की है कि पाकिस्तान, जहां पर जो हिंदू पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, अपनी माटी मानते हैं, अपनी मातृशक्ति मानते हैं, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार आखिर क्यों? एक सीमा के लिए वहां पर रहने वाले हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ऑलरेडी पहले से ही आप देखिए छोटी छोटी बच्चियों को उठाया जाता है कोर्ट में, एक सदन में एक सांसद रो रो के कह रहे थे कि महोदय मैं निवेदन करता हूं
ठीक है, जो बच्ची जिसकी उम्र 8 साल है, जो इस्लाम के बारे में उसको नहीं पता है, और वो कैसे इस्लाम स्वीकार कर लेगी? ठीक, तो ये परिस्थिति वहाँ की है। तो मैं पूछता हूँ, मैं इसलिए भारत सरकार से निवेदन किया कि वहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा क्यों? हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, और हिंदुस्तान में ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं आगे बातचीत से सवाल करूंगा, महंत जी आता हूं, बातचीत से सवाल करूंगा, कितने अफेयर्स जो जानकारियां सामने आ रही हैं, क्या वो जासूस है, काला जादू की बातचीत सामने आ गई। और ये भी बता दें कि थोड़ी देर बाद जब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार सीमा हैदर का सबसे नया वीडियो, जासूसी के आरोपों पर क्या कहा है सीमा हैदर ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन शबनम, उससे पहले एक सवाल आपसे है, मुस्लिम हिंदू किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हैं ये पूरी दुनिया जानती है, फखर भी स्वीकार कर रहे थे हिंदुओं पर जिस तरीके से अटैक किया गया, अब यहां पर लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, यहां पर अब उनके मुंह सिल जाएंगे वो जो सो कॉल्ड सेकुलर बनते हैं। लेकिन आप देखिए, उसने हिंदू धर्म ही क्यों चुना राकेश भाई? उसको पता है हिंदू सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है। वो अगर मैं बिंदी लगाऊंगी और अगर मैं पूजा करके दिखाऊंगी तो काइंड हार्टेड हिंदू जल्दी से मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। मुसलमान अगर बनकर आती तो मुसलमान उससे 100 सवाल करते, मुसलमान उससे 500 चीजें पूछते अपने धर्म की। लेकिन आप हिंदू भाइयों का बड़ा दिल देखिए, वो फिर भी उसका स्वागत करने में लग गए। तो ये शातिर लेडी लगती है मुझे, मुझे लगता है ये सब प्री प्लान्ड करके आई है और मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये, इसकी मूल जड़ें पाकिस्तान की हैं और मैं किसी पाकिस्तानी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ राकेश भाई, चाहे वो उसके 4 छोटे बच्चे हों, चाहे वो उसका पति हो वहां पर, चाहे वो सीमा हैदर महिला हो, मुझे किसी पाकिस्तानी पर ट्रस्ट नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमने बरसों बरस पाकिस्तान के आतंकवादियों को झेला है राकेश भाई अपने देश में, तो मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं उस महिला के ऊपर? फिर 4 पासपोर्ट 5 पासपोर्ट, फोन तोड़ना, सिम पाकिस्तान वाली तोड़ना, मतलब उसके दिमाग में चल क्या रहा है? इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे बोल रही हूं, सचिन की भी जांच होनी चाहिए, कहीं कोई स्लीपर सेल उसको जगह तो नहीं दे रहा है, कहीं कोई ऐसी चीजें तो नहीं घटित हुई हैं जहां पर कुछ प्लान हुआ हो। नहीं, और नहीं, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, और इसीलिए सचिन और सचिन के पिता से भी पूछताछ कर रही है यूपीएचएस की टीम। और फखर भाई देखिए, आपके मुल्क का क्या हाल है, लोग भरोसा नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के लोग भरोसा नहीं करते हैं। और आप थोड़ी देर पहले दुबई की चर्चा कर रहे थे, इजी एक्सेस से, तभी तो आईएसआई ने बड़ा सेंटर बना के रखा है वहां पर। जी जी, आपका क्वेश्चन राकेश, मुझे आवाज नहीं है क्योंकि आप दोनों बोल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं है कि व्हाट यू आर आस्किंग मी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए आपके मुल्क की हालत, जो बातें शबनम ने कही, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भरोसा नहीं करते हैं लोगों पर, हुक्मरानों पर, लोगों की बात छोड़िए। और आप दुबई की चर्चा कर रहे थे, इजी एक्सेस है, इसीलिए तो बड़ा आईएसआई कहा है दुबई में। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे मतलब इस जो खातून आपके यहाँ आई हुई है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान सिंध की है, उसके पास आईडी कार्ड है आपकी एजेंसी को, और मैं कहता हूं कि ज्यादा मसला हो तो फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करना चाहिए, आपका हाई कमीशन यहाँ पे मौजूद है, इनको बात कर लेनी चाहिए कि भाई ये कौन है। अगर उसके अंदर देखें उनको रोकने के लिए तो आपको काम करना चाहिए ना। नहीं 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 जी जी, बिल्कुल मैं करता हूँ, आप पता नहीं आज बात कर रही है, मैं नहीं, नहीं, भाई, मैं बोल रही हूँ पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है, वो आंखें मूंद कर सिर्फ देख रही है कि हिंदू भाइयों को आपने छोड़े कितने हिंदू हैं पाकिस्तान में, ये तो बताइए जरा। एक तो आपने 1% हिंदू छोड़े वहां पर अल्पसंख्यकों के नाम पर, फिर उनको भी आप टारगेट कर रहे हैं। बात कर लीजिएगा, बेशक आप सौ क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फखर भाई मैं आता हूँ, मुबीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से। और शबनम, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो चंद लिबरल लोग हैं और खासतौर पर पत्रकार समुदाय के, उनमें से एक फखर भाई हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, पाकिस्तान की आलोचना भी करते हैं कई सारे मुद्दों पर। लेकिन मुबीन भाई देखिए, बहुत सारी कहानियां आ गई आपकी सीमा हैदर को लेकर। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? पिछले दिनों आप बड़ी एक्टिंग कर रहे थे, मैंने सोचा पहले आपकी तबीयत का हालचाल ले लूं। सर, आपसे अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, जो आप लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना सीमा के नाम पे, वो बहुत बेहतरीन एक्टिंग है। हम इतने अच्छे एक्टर नहीं है, एक्टिंग की सारे अवार्ड आपको मिलते हैं आप लोगों को। नहीं नहीं, हम कहां एक्टिंग कर रहे हैं साहब, एक्टिंग तो एक्टिंग मुबीन भाई आपकी आईएसआई कर रही है। एक फिल्म बनाई, वाया दुबई, वाया नेपाल, टू इंडिया। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा, ये एक्टिंग नहीं है। सीमा इधर यहाँ से ले आती है और आपके वहां पे एक मंत्री है, वो उनको उनके बेटों की एजुकेशन फ्री कर देते हैं,
उनके नारे लगाते हैं उनके साथ मिलके, और यहाँ आप आईएसआई का एजेंट करार देते हैं, तो फिर ये क्या है? आप लोग तो अपने आप एक दूसरे की बात को सहमत नहीं है, और फिर उनके घर में अपने घर में रह के आरती उतारते हैं उसकी, और फिर इंसान फिर पाकिस्तान पे लगाते हैं। और यार कुछ होश के दाखिल हो, लोग पागल तो नहीं है? पूरी दुनिया देख रही है के प्यार को इस तरह से मत आंकिए। ये हिंदुस्तान है, आपने माना तो कि आईएसआई एजेंट है। चलिए मैं आऊंगा, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद सीमा हैदर का सबसे नया वीडियो आपको सुनाएंगे, जासूसी के आरोपों पर क्या कुछ कहा। बासित हमारे साथ है, कुछ उनसे भी सवाल करेंगे और मुबीन भाई से डिबेट की शुरुआत करेंगे। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद में सीमा हैदर पर भारत पाकिस्तान के बीच ये बड़ी चर्चा लगातार चल रही है। टाइम्स राउंड और भारत के पास सीमा हैदर का सबसे नया वीडियो आया है, जिसमें सीमा हैदर पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड को लेकर सफाई दे रही है। साथ ही जासूस वाले आरोपों पर भी सीमा पहली बार बोली है, सुनिए। पहली बात तो जो होगा, जो सच होगा, वो जरूर सामने आएगा। दूसरी बात, इजाज की बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मेरे हैदर पति जरूर थे, मेरी मोहब्बत सचिन है और सचिन ही रहेंगे। इजाज मेरे भाई सम्मान था कि अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाए और कोई दुनिया वाले उसको गलत कहें, क्या आप उसको मान लोगे? क्या वो सच होगा? वो मेरे भाई सम्मान था। हाँ, मैं उसके साथ 3 वीडियो बनाई थी साथ बैठे हुए, और सचिन के साथ वीडियो, उसके साथ वीडियो बनाई हुई, रील बनाई हुई में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मैं उनको यही कहूँगी, इंसानियत की नज़र से देखें, ठीक है, जो जासूस हूँ या नहीं वो कानून कर रहा है। तो ये बातचीत है, जासूसी के आरोपों पर सीमा हैदर ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून तो खैर अपना काम कर ही रहा है। सीमा हैदर जबरदस्त तरीके से शक के घेरे में है, उसकी वजह भी हमने आपको बताई है। लेकिन बासित, एक वीडियो आपका था और उसी वीडियो के आधार पर सीमा हैदर से हमने सवाल पूछा था ओसामा को लेकर। आप बताइए कितने अफेयर्स, क्योंकि कई सारे दावे की, कई सारे इसके बॉयफ्रेंड, क्या इसकी प्यार की जिंदगी को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? जी 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 जी, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक हो चुकी थी। उसकी वजह जो है डांस, मैं जो आपको बताता हूँ, आप बताएं, आप इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, नेपाल लें, इवन कोई भी मुल्क ले लें, आप अमेरिका ले लें, वहां से भी दुबई में लोग आते हैं और डांस करते हैं, और आपको पता है डांस के क्या चार्जेस होते हैं, मिलते हैं। ये सारे पैसे तो उसके पास थे, छोड़ने इस बात को के पैसे नहीं थे, वो उसने कमाए हुए थे। मैं आपको ऑथेंटिक, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे, मैं चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। वो सब ठीक है, शायद पहला सब ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान सब ठीक है, 23 है ये कहने के लिए पाकिस्तान बार बार कहता है। मेरा सवाल अफेयर्स को लेकर है, पूरी दुनिया को आपने कई सारे वीडियो में ये दावे किए और पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन ये लड़की अब इस तरह के ताल्लुकात खराब करे, और मैं इस पे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, ये दुबई में डांसर थी, मेरे पास परफेक्ट नहीं, ठीक है, ये दुबई में डांसर थी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन पॉलिटिशियन से इसका रिलेशन बना दुबई। ये सारी बातें आप नाम बता देते मैं आपको मान जाता, आप नाम बता देते मैं मान जाता, कुछ दिन रुक जाए, आप नाम बता देते मैं मान जाता। बासित कितने अफेयर, बासित कितने अफेयर? बासित कितने अफेयर? बिल्कुल, इसके अफेयर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थे, इसकी पूरी, अब तो उसके पूरी दुनिया में ही अफेयर थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अबू धाबी में, इंडिया में। ये सचिन का आप मेन, उसके जो मेन जो है, जो उसका जो कह सकते हैं अफेयर था, उस पर फोकस कीजिए। आपको सारे हकायक, आप मीडिया आवाज बनिए, आपके मुल्क में एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसको आप एक्सपोज करें, उसको निकालें बाहर, जो 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 इस मामले में जो है इन्वॉल्व है। बासित भाई, उसकी चिंता मत करिए, हमारे मुल्क की, अपने मुल्क की चिंता कर लीजिए, आप उसको जल्द अपने मुल्क की चिंता कर लीजिए, वहाँ पर हिंदुओं की क्या हालत हो रही है आपकी चिंता कर लीजिए। बड़ा काम किया कि आप मुबीन भाई जो बासित कह रहे हैं, हमें लगा दिया, यहाँ की चिंता यहाँ की एजेंसियां यहाँ की सरकार कर लेगी, लेकिन आपके मुल्क की चिंता कौन, आपके मुल्क के हिंदुओं की चिंता कौन करेगा? पहले धमकी आई थी, मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आप स्क्रीन पर नागिन डांस करने लगे थे। देखिए, हिंदुओं पर अटैक किया गया, मंदिरों पर अटैक किया गया। मुबीन, मुबीन भाई आवाज आ रही है आपको?
मुबीन भाई सवाल यह है कि आपके मुल्क में हिंदुओं की चिंता कौन करेगा? पहले आपसे पिछली डिबेट में मैंने सवाल किया था कि कैसे हिंदुओं को धमकी दी गई, आप स्क्रीन पर नागिन डांस करने लगे थे। अब बताइए, हिंदुओं पर अटैक, मंदिरों पर अटैक हो गया सिंध में इसलिए कि सीमा यहां पर आ गई। काम आते हैं ये गुजरात में आप लोग करते हैं मुसलमानों पे, हमारे ये काम नहीं है। हमारे पास जो भी हिंदू भाई रहते हैं हम रेस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान में रहते हैं। आपने और हमने बड़ा डिफरेंस है। आप मोदी अरे आप आतंकी नाग हो, आप पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का काम करते हो, तो आप तो नागिन डांस ही करोगे ना। लेकिन आपका ये डांस भारत में नहीं चलेगा। एक मिनट चंद्रमती बात रखिएगा। मुबीन भाई, फखर भाई, आप ही के मुल्क के हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, रॉकेट लॉन्चर गिराया गया है भाई, रॉकेट लॉन्चर। कहिए तो तस्वीर दिखा दें, जरा दिखाइए इनको तस्वीर टेलीविजन पर, रॉकेट लॉन्चर गिरा है, हिंदुओं के घरों पर गोलियां चलाई गई हैं। ये तस्वीर देखिए भाई, नहीं देता। अरे ये तस्वीर देखिए, थोड़ा अपनी सरकार के आंख खोलने का काम करिए। हमारे पास रहते हैं, रेस्पेक्टेबल तरीके से उनको रखते हैं। अच्छा, मोदी की तरह गुजरात वाले काम नहीं करते। प्रधानमंत्री जी का नाम भी मत लेना अपने मुंह से। आपके तो बयान नहीं मिलते, आप लोग आपस में डिफरेंसेस करते हो। एक तरफ आपके योगी बाबा उसको ये हमारे देश के प्रधानमंत्री एक हाथ में कुरान और एक हाथ में किताब देते हैं कि पढ़िए, कंप्यूटर लीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए। आपके जैसे प्रधानमंत्री के जैसे नहीं है। आगे ना पढ़िए, घोड़ा गधा देश बेच के तो आप इसका अपना खर्चा चलाते हो, बातें करते हो, यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगते हो और बातें करते हो यहाँ पर, और शर्म भी नहीं आती है थोड़ी सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए? पहले 500 बार नहीं नहीं, ये गलत मसला है। फखर भाई रुक जाइए, मुबीन भाई आप ही के मुल्क से, आपको आईना दिखवाता हूँ। फखर भाई जरा इन्हें बताइए, ये सीधे तौर पर नकार रहे हैं कि सीमा को लेकर जो धमकी दी गई थी, हिंदू मंदिरों पर अटैक नहीं हुआ, हिंदुओं पर अटैक नहीं हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या हो गई है जरा बताइए। मुबीन को आप ही के मुल्क से है, पाकिस्तान से ही है। मुबीन भाई सुनिए फखर यूसुफ जाई को, सुनिए फखर को। राकेश साहब बात सुने, मसला ये कि हालात पहले भी उनके खराब थे, लेकिन अब वाकई धमकी दी गई और फिर उनको टारगेट किया गया घोटकी में, उनके मंदिर को, और वो जो लोग वहां पे सोए हुए थे वो कह रहे थे कि पहले फायरिंग हुई, और पुलिस ने ये कहा है, एसएसपी घोटकी का ये स्टेटमेंट है कि भाई वहां से हमें दो मार्टर मिले हैं, एक दीवार में वो गोला लगा है और एक वहां पे पानी का कोई जोड़ था उसके अंदर वो गिरा है। तो ये कोई मतलब झूठी खबर नहीं है कि मैं इसको कहूं कि नहीं की है तो इसको मुबीन भाई तो मान ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल हुआ है, पाकिस्तान की आदत है झूठ बोलने की, सच्चाई को नकारने की। मुबीन भाई ये आपकी बदकिस्मती हो सकती है कि आप पाकिस्तान से। चलिए वेद भूषण जी, थोड़ा सा समय कम है, वेद भूषण जी कौन से बड़े सवाल जिनको लेकर यूपीएटीएस जांच कर रही है, क्या चीजें उससे साफ हो जाएंगी? मैं चाहूंगा 30-35 सेकंड में आप जल्दी से बताएं। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसमें अल्लाह ना करे हमने किसी भी हिंदू भाई के साथ कोई गलत किया हो। छोड़ दीजिए मुबीन भाई, आपके पास नहीं होगी, पूरी दुनिया के पास है, छोटी लड़कियों पूरी दुनिया के पास है भाई, पूरी दुनिया के पास है। वेद भूषण जी आपको आवाज आ रही है, कर देते हो आप उनकी और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवा दो। 50 आदमी वेद भूषण जी के नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक करिएगा। महंत जी जरा मुबीन को आईना दिखाइए। फखर उनके ही मुल्क से बता रहे हैं कैसे हिंदुओं पर अटैक हुआ, मंदिरों पर अटैक हुआ, कह रहे हैं हुआ ही नहीं। झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? नहीं नहीं, मैं ये चीज सुन रहा था, मैं उससे पूछना चाहता हूँ मुबीन भाई से कि वहां पर हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब है, जिस पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, सीधे तौर पे नकार दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। आप लोग फर्जी वीडियो बना लेते हो, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, योगी जी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मंत्री आपको रोकना पड़ेगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट यहीं पर समाप्त है, लेकिन